वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। बात करते हैं स्टूडेंट, आज जो KVS PRT का एग्ज़ाम हुआ है उसकी जो साइकोलॉजी और पैडागोजी का जो क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्कस करते हैं। इससे पहले अपने हिंदी और कंप्यूटर के 10-10 क्वेश्चनों को डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर जाके देख सकते हैं, आपको ईजिली से मिल जाएगी, नहीं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो लेक्चर है। सबसे पहला क्वेश्चन है, कहता है कि 51 कहता है निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के अवसर में समानता की महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। देखिए शिक्षा के अवसर में समानता की महत्वपूर्ण बाधाएं हैं, तो देखिए इसमें जो जेंडर असमानता है वो सबसे बड़ी बाधा है दोनों के बीच में। तो देखिए बी ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट होगा, तो बी किस में है, ये तो कट चुका है हमारा, ठीक है। उसके बाद देखिए शिक्षा की आर्थिक स्थिति में अंतर, ये भी है, तो ए भी है। देखिए ए किस में नहीं है, ए सब में है। उसके बाद कहता है कि कॉमन स्कूल सिस्टम, ये नहीं है भाई समानता की बाधाएं, तो ये तो कट गया सी। देखिए ये वाला भी कट चुका है और ये वाला ही कट चुका है। इट मीन्स जो रह गया ऑप्शन वो कौन सा है हमारा, जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, शैक्षिक संस्थानों के मानकों में अंतर, ये भी समानता की महत्वपूर्ण बाधा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक तथा संवेगात्मक रूप से परिपक्व गुण का परिपक्व व्यक्ति का गुण नहीं है। तो जो नहीं है देखते हैं, नहीं पूछा उसने, वह विनोद प्रिय होता है, ही जे सेंस ऑफ ह्यूमर एंड पॉजिटिव आउटलुक, ये तो नहीं है भाई, क्योंकि ये तो होता है उसका संवेगात्मक या सामाजिक रूप से, ये नहीं हुआ। वह संवेगात्मक तनाव की स्थिति में संयम बनाने में समर्थ होता है, तो ये भी नहीं है, क्योंकि ये तो वो बैलेंस अपने आप को बैलेंस कर सकता है। नेक्स्ट है, वह दुश्चिंता और अंतर्द्वंद से उपेक्षाकृत मुक्त होता है, तो ये भी होगा, ठीक है। जो पहला ऑप्शन है, वह सामाजिक उपेक्षाओं पर खरा उतरना अपना प्रमुख लक्ष्य बनाता है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट है, समस्या समाधान के द्वारा अध्यापन में निम्न में से कौन शिक्षक की भूमिका में सामने नहीं आता। देखिए शिक्षक की भूमिका बतानी है अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में, तो देखिए कक्षा में भयमुक्त वातावरण का निर्माण करना, ये तो समस्या समाधान का टीचर की एक प्रॉपर्टी है। समस्या के समुचित समाधान प्राप्त करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, ये भी एक प्रॉपर्टी है टीचर की। समस्या को समझने, परिभाषित करने और कहने में विद्यार्थियों की सहायता करना, ये भी एक प्रॉपर्टी है। समस्या की स्थिति का निर्माण करना, ये खुद बच्चे करेंगे, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यालय पाठ्यक्रम की सर्वाधिक स्टीक परिभाषा है। अब देखिए विद्यालय पाठ्यक्रम, तो देखिए विद्यालय पाठ्यक्रम में आपको जो सिलेबस होगा, आपकी जो करिकुलम एक्टिविटीज होगी, कुछ कल्चर प्रोग्राम होंगे, सब इंक्लूड होगा, तभी वो विद्यालय की एक अच्छी स्टीक डेफिनेशन बनेगी। तो देखिए पाठ्यक्रम की पूर्ण सारणी, ये तो एक सिलेबस का पार्ट है। विद्यार्थी की क्रियाकलापों में वृद्धि लाने हेतु की जाने वाली सामग्री, ये करिकुलम एक्टिविटीज़ है, दोनों होती हैं तभी एक विद्यालय प्रॉपर बनता है, ठीक है। शिक्षार्थियों को दिए जाने वाले ज्ञान का कुल योग, ये भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो विद्यालय में संगठित अनुभवों का पूर्ण सेट है वो जो बेस्ट ऑप्शन है, कंप्लीट सेट ऑफ ऑर्गेनाइज एक्सपीरियंस इन स्कूल, ये बेस्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की सहायता से अधिगम की विधि नहीं है। अनुशिक्षण है, ट्यूटोरियल बिल्कुल है, ठीक है। उसके बाद ड्रिल एंड प्रैक्टिस सेशन, ये भी है। प्रतिरूपण मॉडलिंग नहीं है, ये एक बांडूरा वाला सामाजिक अधिगम है। नेक्स्ट है, आरंभ के प्राथमिक वर्षों अर्थात कक्षा 4 तक गणित के अधिगम हेतु किस प्रकार के प्रयास किए जाने आवश्यकता है। तो ये संवर्धित कार्यक्रम प्रदान करना, ये है। देखिए अधिगम कठिनाइयों का निदान करना, ये तो बड़ी कक्षाओं के लिए होगा, उच्च कक्षाओं के लिए होगा, ये तो निम्न स्तर की कक्षाओं के लिए कर ही सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। पाठ्यक्रम सक्षमताओं कौशल का पूरा विकास करना, ये भी नहीं है। तो जो सेकंड ऑप्शन है, प्रोवाइडिंग अपने को एनरिचमेंट प्रोग्राम्स, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बच्चे की भाषा समर्थता के विकास पर विद्यालय का प्रमुख सरोकार नहीं है। देखिए विद्यालय का प्रमुख सरोकार नहीं है, उच्चारण तथा साक्षरता संबंधी विषय, ये स्कूल का एक सरोकार है, ठीक है। सोचना और दूसरों के साथ संवाद करना, ये भी है। भाषा तथा निर्माण की क्षमता, ये भी है। शब्द भंडार का जो परिमाण है, ये नहीं है। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत शिक्षा योजना निम्न में से किस विचार पर आधारित नहीं है। तो देखिए जो व्यक्तिगत शिक्षा योजना है वो है सहकारी अधिगम कार्यनीति का उपयोग करना, इस पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुस्तरीय स्थिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है, मल्टीपल सिचुएशन का, तो कौन सा होगा। विभिन्न श्रेणी वाले विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं को एक साथ पूरा करना। नेक्स्ट है, एक बच्चा अपनी मनपसंद किताब लेता है, वह प्राय चित्रों का सुराग के रूप में उपयोग कर उसकी कहानी को फिर से कहता है, वह किस प्रक्रिया चरण अवयव को दर्शाता है। तो वह दर्शाता है स्टूडेंट सवानिकी बोध फोनोलॉजिकल अवेयरनेस को। नेक्स्ट है, कोई शिक्षक बहुत प्रभावी होगा जब तक वो मतलब अच्छी अच्छी चीज़ों का यूज़ नहीं करता, मतलब अपनी कौशल को बढ़ाता नहीं अच्छे तरीके से, तो वो बहुत प्रभावी हो सकता है। देखिए अगर कौशल को अच्छी बढ़ाएगा तो वो अच्छा
बन सकता है टीचर, तो वह अच्छे शिक्षण सामग्री का उपयोग करे तो वो एक प्रभावी इफेक्टिव टीचर बन सकता है। नेक्स्ट है, सामाजिक परिपक्वता के गुण को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से निम्न प्रकार किया जा सकता है। तो किस प्रकार? व्यक्तिगत आवश्यकताओं और प्रयोजनों का सामाजिक आवश्यकताओं उद्देश्यों के बीच उच्च समन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट है, जीन प्याजे की थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये मैंने आपको जीन प्याजे करवाया हुआ है बाय नेम से। तो देखिए इसमें क्या होता है, पहला देखते हैं संवेदी प्रेरक सेंसर मोटर जो उसकी फर्स्ट स्टेट है, फिर पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल, फिर कंक्रीट स्टेट, फिर फॉर्मल। तो देखिए अपने को पता है कि जो रिवर्सिबल थिंकिंग होती है वो थर्ड में आती है, किसमें? कंक्रीट ऑपरेशन में। देखिए एक पानी के गिलास है, मैंने आपको उदाहरण भी दिया था, ये कुछ भरा हुआ है, ये बड़ा हुआ है, तो वो क्या अपनी सोच को उल्टा लेके जा सकता है? वो कौन सी सिचुएशन में लेके जाता है? तीसरी स्टेज में। तो सी का फर्स्ट देखिए किसमें है, तो जो सी का फर्स्ट है वो ओनली किस स्टेज में? देखिए ओनली फर्स्ट स्टेज में, और किसी भी स्टेज में नहीं है। अपने और भी चेंज कर लेते हैं, संवेदी प्रेरक। तो संवेदी प्रेरक क्या होता है? वस्तु स्थायित्व। ये मोस्टली वैसे 2 साल के बाद आता है, लेकिन इन्होंने इंक्लूड कर लिया इसके अंदर। तो देखिए तो ऑब्जेक्ट परमानेंस ये पहले में आएगा, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक ईगोसेंट्रिज्म, ये भी किस में आता है? सेकंड में आता है। तो देखिए सेकंड का थर्ड, ओनली फर्स्ट में ही है और किसी में नहीं। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विकास में अनुवांशिकता के प्रभाव का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? देखिए अनुवांशिकता अपने को एक मतलब लिमिट दायरा देती है बीच में, तो देखिए यह इस बात को तय करती है कि हम कहां तक जा सकते हैं। जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके द्वारा अधिगम अंतराल की पहचान तथा उसका निराकरण किया जा सकता है? अब देखिए रिमाइंडर टीचिंग होती है, जिसे आप क्लिनिकल मेथड भी कहते हैं, कि बच्चे में फॉल्ट की पहचान करना, फिर उसको जो फॉल्ट है, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, पहले अपनी बीमारी का अध्ययन करता है, फिर अपने को डोज देता है, उसी प्रकार रिमाइंडर टीचिंग में भी क्या होता है, पहले अपने उसके अधिगम की पहचान करेंगे, फिर उसका निराकरण करेंगे। तो औपचारिक अध्ययन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, जो माइक्रोन टीचिंग है या सूक्ष्म अध्यापन एक तकनीक है जिसका उपयोग है। देखिए माइक्रो टीचिंग वैसे भी शिक्षकों के लिए की जाती है, तो विशिष्ट अध्यापन कौशल की शिक्षक की तैयारी होती है। नेक्स्ट है, किसी विद्यार्थी की अनुचित अनुक्रिया निपटाने का उत्तम तरीका है। मान लो कोई बच्चा गलत उत्तर देता है तो उसको अपने सही कैसे बता सकते हैं? ऐसे तो नहीं हो कि उसको डांटेंगे, लेकिन साइकोलॉजी के थ्रू जो उसने गलत उत्तर बताया है उसको अपने धीरे धीरे सही उत्तर की ओर लेके जाएंगे, उसे एक और मौका देंगे कि वो अच्छी तरह उसका उत्तर दे सके। तो व्याख्या करना था उत्तर देने का अवसर देना। नेक्स्ट है, सामान्यीकृत विचार तथा विशेषताएं जो एक पुरुष तथा महिलाओं में होनी चाहिए, निम्न में से क्या है? तो देखिए इसमें थोड़ा सा जेंडर रोल्स या जेंडर आइडेंटिटी दोनों में से हो सकता है, अगर आपको सही पता है तो बता सकते हो फर्स्ट और सेकंड में। नेक्स्ट है, प्रतीकात्मक उद्दीपन के प्रति संवेगी अनुक्रिया निम्न में से किसका परिणाम है? तो वह वर्धित इंद्रिय बोध का, इंक्रीज सेंसर प्रिस्पेक्शन का। नेक्स्ट है, आपने कक्षा 5th के विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित की, इसमें अधिकांश विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हुए। देखिए पहले अपने परीक्षा ली लेकिन उसमें फेल हो गए, आपको दूसरी परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना था, परीक्षा लेनी थी, तो आप कौन सी परीक्षा पसंद करेंगे? तो देखिए अपने बच्चे फेल हो गए, कहाँ फेल हो गए उसका पता लगाना डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये थे स्टूडेंट हमारे 20 साइकोलॉजी के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए। इससे पहले हिंदी और कंप्यूटर के बन चुके हैं, आप देख सकते हो चैनल पर जाके।